करेंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ स्टेप्स के थ्रू लेटर ए को कैसे लिखना है। लेटर ए को लिखने का तरीका बेटा ये है, टीचर्स हजरा जो अकेडमी पढ़ा रहे हैं या पेरेंट्स जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं, वो भी गौर से इस चीज़ को देखें। मिडल टू लाइन्स पर टू डॉट्स आपने लगाने हैं और मेक अ ख, दिस इज द वन स्टेप ऑफ लेटर ए। द सेकेंड स्टेप ऑफ लेटर ए सर्कल, ठीक है, आपने क्या करना है इसको सर्कल बना देना है, ठीक है। द थर्ड स्टेप ऑफ लेटर ए मेक अ ख, मेक अ सर्कल, कम डाउन, एंटर लेटर अराउंड, ठीक है। दिस इज स्मॉल लेटर ए, ए इज द साउंड ए, ठीक है। दोबारा देखिएगा, फर्स्ट स्टेप में मेक अ ख, सेकेंड स्टेप मेक अ सर्कल, थर्ड स्टेप में आपने टर्न अराउंड हल्का से इस तरह कर देना है, ठीक है। दिस इज लेटर ए, ठीक है। अब लेटर बी की तरफ बढ़ते हैं। लेटर बी में आपने क्या करना है, अपर थ्री लाइंस पर आपने दो डॉट लगा देने हैं और इनको मैच करने के लिए बच्चे को कहना है काम डाउन, ठीक है, एंड मैच देम टू डॉट्स, ठीक है। देन क्या करना है, मेक अ ख ऑन राइट साइड, ठीक है। दिस इज लेटर बी, ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन ड्रा करवाएंगे अपर थ्री लाइंस पर, सेकेंड स्टेप में आप सर्कल बनवाएंगे बच्चे से, तो ये क्या है लेटर बी, दिस इज लेटर बी, बी इज अ साउंड ब। लेटर सी लिखने का वे जो है वो मिडल टू लाइंस पर क्या करना है, आपने दो डॉट्स लगवाने हैं और मेक अ ख, जैसे आपने लेटर ए में इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है। लेटर सी, सी इज अ साउंड ख। अब लेटर डी में क्या करना है, अपर थ्री लाइंस पर उसी तरह ही आपने दो डॉट्स लगवाने हैं जैसे लेटर बी को राइट डाउन करते हुए करवाया, स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, एंड मेक अ ख ऑन लेफ्ट साइड, दिस इज लेटर बी। दोबारा देखिएगा, अपर थ्री लाइंस पर स्टैंडिंग लाइन, मेक अ ख ऑन लेफ्ट साइड, लेटर डी इज द साउंड ड। लेटर ई कैसे बनवाना है, सबसे पहले लेटर सी राइट डाउन करवाएंगे मेक अ ख, और फिर आप एक और डॉट के थ्रू इनको आपस में मैचिंग करवा देंगे। दोबारा देखिएगा, मिडल टू लाइंस पर लेटर ई लिखा जाता है, मेक अ ख एंड क्लोज, ठीक है, इसको ऐसे हम क्लोज कर देंगे, दिस इज लेटर ई, ई इज द साउंड ए, ठीक है। बच्चों आपने लेटर ए बी सी डी ई इन स्टेप्स के थ्रू आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे तरीके से गाइड करें, आई होप कि बच्चा इसको जल्दी पिक करेगा और जल्दी लिखना शुरू हो जाएगा और अच्छी फॉर्मेशन के साथ लिखेगा। इसके अलावा इस सिलेबस में हम देख लेते हैं जनरल नॉलेज को। जनरल नॉलेज का ये टॉपिक माई सेल्फ हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसी को बेटा आपने रिपीट करना है। इस्लामियात में हमारा टॉपिक चल रहा है अल्लाह ताला, अल्लाह ताला के तमाम सवालात हो चुके हैं, आपने बेटा इन्हीं को दोबारा रिपीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपने लेटर ए टू ई की वोकैबुलरी अच्छे से याद करनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने अपने असाइनमेंट वाले रजिस्टर पे। मैम शाजी को इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।